कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को खलनायक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ठगने वाले कमलनाथ उपचुनाव के बाद राहुल गांधी के साथ मुंबई जाने की तैयारी करें, जहां एक को विलन का रोल तो दूसरे को कार्टून का काम मिल जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ एक बार धोखा देकर और झूठे वादे करके सत्ता में आ गए, लेकिन अब प्रदेश की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताने वाले कमलनाथ के बयान पर तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कमल पटेल ने कहा, प्रदेश के असली हीरो शिवराज सिंह चौहान हैं। वो बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और किसानों के मसीहा हैं, और कमलनाथ इस प्रदेश के लोगों के खलनायक हैं। शिवराज सिंह चौहान ओरिजिनल हीरो है। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है और इसलिए ओरिजिनल हीरो है, असली हीरो जनता का, समाज का सेवक है, बच्चों का मामा है, युवाओं का हृदय सम्राट है, किसानों का मसीहा है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है और इसलिए सभी 7.5-8 करोड़ जनता का वो आंखों का तारा है और इसलिए वो हीरो है। कमलनाथ जी, तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो। तुमने जनता को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने युवाओं को धोखा दिया, तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो और तुम खलनायक हो। शिवराज सिंह चौहान हमेशा हीरो थे, हैं और रहेंगे, और तुम खलनायक थे, खलनायक हो और खलनायक रहोगे। कमल पटेल ने कहा कि झूठ बोलकर एक बार सत्ता हासिल कर चुके कमलनाथ को लगता है कि वह अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ झूठ फैलाकर फिर सत्ता में आ जाएंगे, तो ये उनका भ्रम है। जनता अपने साथ धोखाधड़ी करने वाले कमलनाथ और पूरी कांग्रेस का सफाया करने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 28 सीटों के उपचुनाव में भाजपा को ही जीत हासिल होगी। इस विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये 28 की 28 विधानसभा की उपचुनाव में भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा, शिवराज जी परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे और तुम हमेशा के लिए खत्म, कांग्रेस को खत्म कर रहे हो। विलेन का रोल मिल सकता है तुमको, फिल्मों में जाओ वही नौटंकी करो, राहुल गांधी को नौटंकी कर, तुमको विलेन का। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।